I'm Prajyot Kaur, and today we'll do some important questions of mathematics of class 12th. So before starting this video, please subscribe my channel and for notification of more videos, press that bell icon. So let's start with the first chapter. Today we'll do according to your chapters. So first chapter aapka hai relations and functions. रिलेशंस एंड फंक्शंस में जो आपका मतलब जो मेन जो क्वेश्चन निकलता है एक फर्स्ट आप एक्सरसाइज में करते हो थ्री टाइप्स ऑफ रिलेशंस. सो फर्स्टली यू शुड नो द थ्री टाइप्स ऑफ रिलेशंस. हियर वी हैव एन एग्जांपल ऑफ दैट क्वेश्चन. गिव एन एग्जांपल ऑफ अ रिलेशन विच इज रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक. मतलब इसका मीनिंग क्या है कि आपको ऐसे वाला क्वेश्चन आ सकता है कि जिसमें आपको रिफ्लेक्सिव या ट्रांजिटिव प्रूव करना है, मतलब एग्जांपल देके वो बनाना है और सिमेट्रिक ना हो वो रिलेशन आपका. ठीक है, ऐसे ही रैंडमली कोई भी एग्जांपल उठा लो कि सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है बट नॉट ट्रांजिटिव. ठीक है, बट नॉट ट्रांजिटिव. या रैंडमली लगा लो कि नाइदर सिमेट्रिक नॉट रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव, इन तीनों में से कुछ भी ना हो. ठीक है, सो रिलेशंस चैप्टर में से जो क्वेश्चन आ सकता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो ये वाला क्वेश्चन है. तो आपको इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए यू शुड नो द थ्री टाइप्स ऑफ रिलेशंस के इन रिफ्लेक्सिव में हम क्या करते हैं, ट्रांजिटिव में क्या एंड देन सिमेट्रिक में क्या. और एक और चीज यहाँ पे तो आ गया ना, नाइदर सिमेट्रिक नॉर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव. आपको ये भी आ सकता है कि प्रूव दैट कोई भी रिलेशन देके, ठीक है, कि उसको इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करो. नाउ व्हाट इज इक्विवेलेंस रिलेशन? इक्विवेलेंट रिलेशन इज व्हेन दैट रिलेशन इज सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव एज वेल एज ट्रांजिटिव ऑल्सो. ठीक है, तो उस रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन. तो ये तो हो गया रिलेशन चैप्टर का क्वेश्चन. नाउ कम टू फंक्शंस. फंक्शंस में हम क्या करते हैं, यू शुड नो सिंपली टू थिंग्स, वन वन फंक्शन एंड ओन टू फंक्शन. ओके, वन वन पता हो आपको एंड ओन टू के बारे में पता हो कि वो क्या होते हैं. वी हैव एन एग्जांपल ऑफ दैट क्वेश्चन के इस चैप्टर में से जो क्वेश्चन आ सकता है दिस टाइप का. शो दैट फंक्शन डिफाइंड बाय, मतलब आपको कोई भी फंक्शन की वैल्यू कुछ भी आ सकती है, इज वन वन एंड ओन टू. ऑल्सो फाइंड द इनवर्स ऑफ एफ. तो मतलब आपको वन वन एंड ओन टू के बारे में पता होना चाहिए. ठीक है, तो वन वन ओन टू तो आप फाइंड कर लोगे. ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस में क्वेश्चन में भी क्या आ सकता है कि जैसे क्वेश्चन और कैसे आ सकता है कि जैसे यही स्टेटमेंट दे दे सेम. ठीक है, और आपसे ये ना कहे कि वन वन ओन टू है या नहीं ये बताओ, आपको डायरेक्ट पूछना है कि इज दिस फंक्शन इन्वर्टिबल और नॉट. ठीक है, कि आप इन्वर्टिबल है या नहीं. तो इन्वर्टिबल के लिए आपको पता होगा कि अगर इनवर्स फाइंड करना है तो आपको पहले वन वन एंड ओन टू चेक करना पड़ता है. तो ये तो हो गया फंक्शन में से जो क्वेश्चन आ सकता है. उसके बाद बचता है इस चैप्टर में बाइनरी ऑपरेशंस. तो बाइनरी ऑपरेशन का तो हमेशा जो है शॉर्ट क्वेश्चन ही आता है वन मार्क में या एमसीक्यूज में आ सकता है उससे रिलेटेड. तो उसमें आपको कुछ ज्यादा नहीं करना. ठीक है, सिर्फ वन मार्क का ही क्वेश्चन आएगा बाइनरी ऑपरेशन का. नाउ मूव ऑन टू चैप्टर नंबर टू, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री. सो इन सेकेंड चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. सो इस चैप्टर में जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो आपको इस फॉर्म में आ सकता है, मतलब कुछ ऐसा. ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ टैन इनवर्स टैन, या इफ साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स समथिंग इज इक्वल टू समथिंग देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स. मतलब कुछ इस तरह का ही रहेगा. लास्ट 5 to 10 इयर्स के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, जिस टाइप के क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, मैं आपको वही वाली एग्जांपल्स यहाँ पे दे रही हूँ, उसी टाइप की एग्जांपल्स दे रही हूँ. ठीक है, सो ऐसे क्वेश्चन मान लो यहाँ पे 10 है. ठीक है, यहाँ पे आपको साइन भी आ सकता है, साइन इनवर्स एंड देन साइन. ठीक है, इट कैन बी 7π/4 और समथिंग एल्स. ओके, ऐसे ही सेम यहाँ पे भी कुछ भी चेंज होके आ सकता है. मतलब ये फॉर्म में रहेगा हमेशा एमसीक्यू या जो भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन होगा इस चैप्टर का. तो एमसीक्यू शॉर्ट के बाद अगर बात करें हम 2, 3, 4 जितने मार्क का भी आपका इसके बाद जो क्वेश्चन होगा इस चैप्टर का वो क्या हो सकता है इस चैप्टर में से. मैंने लास्ट 5 to 10 ईयर्स में चेक किया सारा, तो उसमें एक पर्टिकुलर फॉर्म का क्वेश्चन आ रहा है. मैं आपको बताती हूँ, जैसे हो गया tan इनवर्स समथिंग 1/3 प्लस tan इनवर्स 5/10 5/7 विल इक्वल टू tan इनवर्स 13/15. ये जस्ट एक रैंडम एग्जांपल है. ठीक है, ये कुछ ऐसा क्वेश्चन. ओके,
यहाँ लगा लो कि साइन इनवर्स 5/9 प्लस साइन इनवर्स, कुछ भी आप रैंडम एग्जांपल सोच सकते हो, मतलब इस फॉर्म का क्वेश्चन आएगा। अगर आपको याद हो, अगर आपने ये चैप्टर किया है तो उस चैप्टर में ऐसे कुछ फॉर्मूलाज भी हैं आपको, जो आपको अच्छे से याद करने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बिना आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, तो यू शुड नो अबाउट दैट फॉर्मूलाज। मान लो ये हो गया, तो कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो इस चैप्टर में से हमेशा आते हैं, ठीक है। और जो वैल्यूज वाले छोटे छोटे क्वेश्चन हैं तो वो शॉर्ट में आएंगे एमसीक्यूज में, और कुछ ऐसे टाइप्स के क्वेश्चन आपको 2-3 मार्क्स में या 4 मार्क में आएंगे, ठीक है। उसके बाद इस चैप्टर में और आपको कुछ नहीं करना, ठीक है, बस फॉर्मूलाज आपको याद रखने हैं। ये जो चैप्टर है ये फॉर्मूलाज के ऊपर ही बेस्ड है, फॉर्मूलाज के बिना आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे इसके कुछ भी क्वेश्चन। सो यू शुड नो ऑल फॉर्मूलाज। Now move on to our next most important chapter, matrices. So in chapter number 3, matrices, the most important जो question है आपका वो है inverse of matrix. ठीक है, जो पूरी श्योरिटी है कि ये क्वेश्चन 6 मार्क्स में हमेशा आता है। By elementary transformation, find inverse of matrix. ठीक है, आपको कोई भी स्टेटमेंट यहाँ गिवन होगी मैट्रिक्स की, सपोज ए इज इक्वल टू 1, 2, 3, 5, 6, 7, देन 10, 8, 9, ठीक है। तो मान लो ये आपकी मैट्रिक्स है, By elementary transformation, you have to find inverse of matrix. ओके, तो ये तो हो गया 6 मार्क का क्वेश्चन, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट अभी चलते हैं, एक और क्वेश्चन है जो आ सकता है एज अ लॉन्ग क्वेश्चन। जैसे मान लो आपको कोई मैट्रिक्स दे दी, इफ रिप्रेजेंट, आप सीधा ये लगा लो कि रिप्रेजेंट द मैट्रिक्स ए एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो एक वो क्वेश्चन भी आ सकता है आपको लॉन्ग में 6 मार्क्स वाले में, रिप्रेजेंट दिस मैट्रिक्स इन सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। सो यू शुड नो अबाउट सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसका शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का। तो ये तो हो गए दो लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से। शॉर्ट में अगर बात करें तो शॉर्ट में तो ये बहुत इजी सा ही क्वेश्चन होगा कोई, इट कैन बी एडिशन ऑफ मैट्रिसेस या मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस, ओके। तो वो हो गया शॉर्ट के अकॉर्डिंग। इसके बाद एक और क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है मैट्रिसेस का, वो आ सकता है आपको 3 और 4 मार्क्स में, ठीक है। तो वो क्वेश्चन क्या है, सेवन क्वेश्चन आपका है मैथमेटिक इंडक्शन का, मैथमेटिकल इंडक्शन वाला जो क्वेश्चन है, ठीक है, वो आपको नहीं छोड़ना है इस चैप्टर का, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इनवर्स की तरह है, ठीक है। ये एक क्वेश्चन हमेशा होता है एग्जाम में मैथमेटिकल इंडक्शन का एंड देन इनवर्स का लॉन्ग में, ओके। सो उसके बाद चलते हैं चैप्टर नंबर 4, डिटर्मिनेंट्स पे। इस चैप्टर में बस यही करना है आपको, बस नहीं है वैसे, इनवर्स खत्म करना है आपको, मैथमेटिकल इंडक्शन वाला टॉपिक नहीं भूलना आपको, और 6 वाला था वो स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक वाला पार्ट, ठीक है, वो भी पार्ट आपको छोड़ना नहीं है। सो नाउ मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट चैप्टर। सो इन चैप्टर नंबर 4, डिटर्मिनेंट्स में जो मेन 6 मार्क का जो क्वेश्चन आना है आपको, वो लास्ट 5 to 10 years में यही वाला क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है, बाय मैट्रिक्स मेथड आपको ये इक्वेशन सॉल्व करनी है। तो ये 3 इक्वेशंस आपको, वहां पे इक्वेशंस कुछ भी आ सकती है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है आपका, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, आपको 3 इक्वेशंस गिवन है बाय मैट्रिक्स मेथड, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि जो मैट्रिक्स मेथड वाला क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम चैप्टर नंबर 4। तो वैसे आपको मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट, मतलब मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट चैप्टर में ऑप्शन आती है क्वेश्चन में पेपर में, कि या तो आपको ये क्वेश्चन करना है या आपको मैट्रिक्स वाला क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो आपको ये दोनों चैप्टर्स अच्छे से करके जाने हैं, सो दैट कि अगर ये नहीं आता तो एटलीस्ट वो इनवर्स वाला, ठीक है, वो क्वेश्चन आपको आता हो। तो इस चैप्टर में तो ये हो गया मैट्रिक्स मेथड। इसके बाद इस चैप्टर में ही एक और क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है, अभी वो आपको 3-4 मार्क्स में भी आ सकता है और 6 मार्क्स में भी वो आ सकता है आपको। तो उसमें आपको
क्वेश्चन क्या होगा कि बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स, एक साइड आपको डिटर्मिनेंट्स के आपको एलिमेंट्स दे देंगे, ठीक है, राइट साइड आपको कोई इक्वेशन दे देंगे एंड दे विल आस्क के इसको प्रूव करो, ठीक है। तो इस चैप्टर में ना आपको कुछ प्रॉपर्टीज हैं चैप्टर के स्टार्टिंग में ही, तो आपको वो प्रॉपर्टीज पहले एक बार जस्ट देखनी पड़ेगी कि क्या है, देन यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। ओके, तो मैट्रिक्स मेथड वाला 6 मार्क्स के लिए, एंड इट कैन ऑल्सो कम इन 6 मार्क्स, बट मेन जो है इसका वो 3 मार्क में रहता है, 3 या 4 मार्क्स में। तो ये चैप्टर में तो ये हो गया, नाउ मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट चैप्टर। सो फ्रॉम दिस चैप्टर कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, इसमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है लैग्रेंजेस थ्योरम एंड रोल्स थ्योरम, ठीक है। जो आपका 3 और 4 मार्क का जो क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर में से, उसमें ये जो थ्योरम्स वाले जो क्वेश्चन है, वेरीफाई दिस थ्योरम और दिस थ्योरम फॉर एनी फंक्शन विद इन सम लिमिट, ठीक है। तो वो क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट, आपको ये छोड़ के नहीं जाना इन दोनों थ्योरम्स को। उसके बाद एक क्वेश्चन है, बार बार रेपिटेशन में था, तो ये वाला, मतलब ये क्वेश्चन नहीं, इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है, कि आपको सम मतलब कुछ एक्स की पावर कुछ गिवन है, इधर से किसी और चीज की पावर कुछ गिवन है, देन दे विल आस्क टू फाइंड डी वाई बाय डी एक्स, मतलब कुछ इस टाइप का क्वेश्चन। जैसे एक ये भी था कि एक्स रेस टू पावर वाई एंड देन वाई रेस टू पावर एक्स इज इक्वल टू 10 देन डी वाई बाय डी एक्स, ठीक है। तो कुछ ऐसा भी क्वेश्चन, मतलब कुछ इस टाइप के क्वेश्चन थे जो बार बार रिपीटेशन में था लास्ट 5 to 10 years के अकॉर्डिंग। तो ये जो 2 क्वेश्चन है आपके, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम दिस चैप्टर। और जो कॉन्टिन्यूटी वाला क्वेश्चन है वो आपको शॉर्ट में आ सकता है, ठीक है, इट कैन बी 1-2 मार्क्स। तो कॉन्टिन्यूटी का हो गया। डिफ्रेंशियबिलिटी में आपको एक और चीज याद रखनी है, मतलब मैं पर्सनली ये चीज सजेस्ट करती हूँ बच्चों को कि इस चैप्टर के लिए, डेरिवेटिव वाले चैप्टर के लिए, आपको मतलब आपको पता है कि वहां पे लॉट ऑफ फॉर्मूलाज, ठीक है, तो वो सारे फॉर्मूलाज को आपको अच्छे से लर्न करके, ठीक है, हर एक्सरसाइज में से आप एक एक दो दो क्वेश्चंस उठाओ, ठीक है, सारे फॉर्मूलाज अपने आप यूज में आ जाएंगे और आपको पता चलता जाएगा कि आपको क्या क्या आता है और क्या क्या नहीं, मतलब आपको फॉर्मूलाज याद भी हैं सारे, आपको वो ट्राई करने आते हैं, आपको वो लगाने आते हैं कि किस क्वेश्चन में कैसे और कौन सा फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। तो ये मेरा पर्सनल सजेशन था। वैसे इस चैप्टर में आपको 2-3 मार्क्स में कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, वो कोई भी रैंडम स्टेटमेंट दे सकते हैं आपको, एंड उसके बाद आपको वो डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए बोल सकते हैं, ठीक है। सो मेरे अकॉर्डिंग आपको इस चैप्टर के लिए सारे फॉर्मूलाज को अच्छे से पढ़ के, हर एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं उनमें से एटलीस्ट रैंडमली 2-3 क्वेश्चंस उठा के आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। बाकी ये 2 जो क्वेश्चन है लैग्रेंजेस और रोल्स थ्योरम वाले, ये आपको छोड़ के नहीं जाने। और उसके बाद कुछ इस टाइप का, अगर आप चाहो तो ये जो है आपकी एक्सरसाइज, ये जो क्वेश्चन है आपकी मॉडर्न वाली बुक में, आई थिंक IJ शायद एक्सरसाइज है कुछ, 5IOJ समथिंग, आप चेक कर लेना, ठीक है, उस एक्सरसाइज में है ये। तो आप वहां से ट्राई कर सकते हो। तो आवर नेक्स्ट चैप्टर इज चैप्टर नंबर 6, एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स। इस चैप्टर में जो मेन जो क्वेश्चन है वो एक तो हो गया ये वाला, ठीक है, जो कॉन्स्टेंटली रिपीट हो रहा है, यूजिंग डिफरेंशियल्स फाइंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ दिस, मतलब ऐसे नहीं कि सिर्फ यही वाला क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन। अभी यहाँ पे ये है, इट कैन बी 0.99 1/10, ठीक है, इट कैन बी समथिंग एल्स। तो इस टाइप का क्वेश्चन जो है ये वाला, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके बाद जो इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है आपके जो स्टेटमेंट सम्स इन, ठीक है, ये मैंने एक रैंडम आइडिया लिया है, ठीक है, आपको देने के लिए रैंडम एग्जाम्पल उठाइए कोई, जैसे मान लो फाइंड द हाइट ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, मतलब एक तो आपको इसमें क्या होगा कि अलग अलग शेप्स गिवन होंगी, सिलेंडर, स्फीयर, कोन, रेक्टेंगल, सर्कल, ठीक है, तो अलग अलग शेप्स गिवन होंगी आपको। फाइंड द हाइट ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, मैक्सिमम वॉल्यूम, मतलब मैक्सिमम और मिनिमम की बात की जाएगी ऐसी स्टेटमेंट्स में। यहाँ पे वॉल्यूम है, इट कैन बी एरिया, पेरीमीटर, कुछ भी हो सकता है किसी भी उस चीज के अकॉर्डिंग कि आपको यहाँ क्या गिवन है इसमें। That can be inscribed in a sphere of radius this centimeter. ठीक है, तो ऐसे वाले जो स्टेटमेंट सम्स हैं, तो ये अटेम्प्ट करने के लिए आपको वो बेसिक जो हम पढ़ते हैं नाइन्थ टेंथ में फॉर्मूलाज ना, स्फेयर का एरिया वॉल्यूम, सिलेंडर का एरिया वॉल्यूम क्या होता है, ठीक है, स्लैंट हाइट, कोन का एरिया वॉल्यूम, वो सारा कुछ, तो वो सब आपको पता
होना चाहिए, ठीक है, इस ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। सो इस चैप्टर में यही है, इसके बाद चलते हैं हमारा जो नेक्स्ट 7th चैप्टर है, मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग चैप्टर, इंटीग्रेशन। सो नेक्स्ट चैप्टर इंटेग्रल्स, मेरा ये फेवरेट चैप्टर है, इंटेग्रल्स एंड डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो इस चैप्टर में क्या करना है आपको, बेसिकली क्या है कि जैसे डेरिवेटिव वाले चैप्टर में आपको इतने सारे फॉर्मूलाज गिवन थे, ऐसे ही सेम फॉर्मूलाज आपको यहाँ पे भी गिवन है इंटेग्रल वाले चैप्टर में। तो आपको करना क्या है कि सारे फॉर्मूलाज को अच्छे से रीड करके, ठीक है, अच्छे से देख के हर एक्सरसाइज, मतलब जो भी बुक आप फॉलो करते हो, ठीक है, उसकी हर एक्सरसाइज में आपको दो दो चार चार क्वेश्चन उठाने हैं, ठीक है, उसमें फॉर्मूलाज ट्राई करते जाना है, ठीक है, जो भी आपको लगता है। तो आपको वो सारे क्वेश्चंस वैसे करने हैं, क्योंकि ये वाले जो दो चैप्टर्स है ना, इंटेग्रल्स और डेरिवेटिव वाला, इसका हमें कुछ नहीं पता, ठीक है, बोर्ड वाले कुछ भी उठा के कुछ भी स्टेटमेंट डाल सकते हैं, आपको फॉर्मूलाज आते होने चाहिए। अगर आपको बेस क्लियर है उस चैप्टर का तो आप कोई भी स्टेटमेंट आ जाए बोर्ड की तरफ से, आप वो अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। तो एक क्वेश्चन बट मुझे मिला है, एक क्वेश्चन मुझे लगता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, अकॉर्डिंग टू माय पर्सनल एक्सपीरियंस, ये जो क्वेश्चन है हमेशा रिपीट होता है, इवेल्युएट, मतलब यहाँ पे मान लो कोई भी स्टेटमेंट हो सकती है, ठीक है, एज द लिमिट ऑफ अ सम, ठीक है, लिमिट ऑफ अ सम वाला जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, आपको e raise to power x भी आ सकता है with some limits, ठीक है, 2 raise to power x आ सकता है, 2x plus 1, x plus 2, कुछ भी ऐसा स्टेटमेंट आ सकती है आपको। मतलब बेसिकली मैं ये कहना चाहती हूँ कि क्वेश्चन ये वाला इंपॉर्टेंट है, लिमिट एज अ सम वाला, ओके। तो इस क्वेश्चन के अलावा बाकी क्वेश्चन आपको कुछ भी स्टेटमेंट आ सकती है, मैं आपको बता रही हूँ फिर से कि आपको वही वाला पैटर्न अप्लाई कर, वही वाला जो है सारा एक वे जो है पढ़ने का, इस चैप्टर को कवर करने का, वो यही है कि हर एक्सरसाइज में आप दो दो चार चार क्वेश्चन उठाते जाओ और उनको ट्राई करते जाओ, ठीक है, फॉर्मूला आप खुद अप्लाई करोगे, आपको समझ आ जाएगी कि कैसे कैसे कौन सा क्वेश्चन होगा। सो नाउ मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट चैप्टर, फ्रॉम दिस चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ इंटेग्रल्स चैप्टर नंबर 8 वी हैव, हमारे पास जो इसमें क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह का ही आएगा कि फाइंड द एरिया, मतलब इसमें क्या है कि कुछ भी पर्टिकुलर नहीं है कि कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय, मतलब आप लगा लो कि आपको कोई भी दो कर्व्स गिवन होंगी, ठीक है, कोई भी दो कर्व्स रैंडमली, मान लो आपको दो पैराबोलास आ जाए, ठीक है, मान लो कुछ इस तरह से आ गया ये वाला, दो पैराबोलास ने जो कर्व बाउंड किया उसका एरिया फाइंड आउट करना, या आप लगा लो रैंडमली कि दो आपको सर्कल्स आ जाए, ठीक है, ये हो गया एंड सेकेंड वन इज दिस वन, ठीक है, तो ये दो सर्कल्स हो गए। तो ऐसे ही, मतलब ये चैप्टर मेरे अकॉर्डिंग बहुत इजी सा है, ठीक है, छोटा सा चैप्टर है, आपको जस्ट ये पता होना चाहिए कि कौन सी कर्व किसकी है, बट मेरे अकॉर्डिंग जो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब जरूरी नहीं आपको कि दो पैराबोला दो सर्कल ही आए, आपको एक्सचेंज होके भी आ सकता है, एक पैराबोला एंड एक सर्कल, ठीक है, इट कैन बी वन एलिप्स एंड वन पैराबोला, ठीक है। तो इस चैप्टर में बस यही कुछ इम्पोर्टेंट है, मतलब इम्पोर्टेंट नहीं बोल सकते कि क्वेश्चन ही है इस चैप्टर में, ओके, एरिया बाउंडेड बाय एनी रीजन, वो आपको कुछ भी आ सकता है, कोई भी दो कर्व्स आ सकती है, सिंगल कर्व भी आ सकती है, ठीक है। सो फॉर दिस चैप्टर चैप्टर नंबर 9 डिफरेंशियल इक्वेशंस, जो मेन क्वेश्चन है जो इसमें इम्पोर्टेंट है वो आपको यही आएगा कि सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, आगे आपको कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दे देंगे, ठीक है। स्टेटमेंट देखो मैं इसलिए पर्टिकुलर नहीं बता रही क्योंकि वो बोर्ड वाले चेंज करके डाल सकते हैं, मैं जस्ट आपको टाइप्स बता रही हूँ कि किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, किस टाइप का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन, आपको उसी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके बोल सकते हैं कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन या जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करो, ठीक है। बट जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो इस टाइप वाले, मतलब जो ऐसी टाइप में होंगे जिस जहां पे आप ये पी एंड क्यू कंपेयर करते हो, उसके बाद इंटीग्रेटेड फैक्टर के थ्रू आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो, ठीक है, वो जो एक्सरसाइज, मतलब जो वो वाले जो क्वेश्चन है इस टाइप वाले, वो कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब बेस्ट अप्रोच अपनी इसमें देना कि आप ये वाले क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर करो कि कैसे अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। बाकी है इसमें तो स्टेटमेंट तो फिर भी वही रहेगी कि सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, वहां पे ये चीज मेंशन नहीं होती कि आपको किस वे के साथ या किस मेथड के साथ आपको क्वेश्चन ट्राई करना है। सो यू शुड नो दिस मेथड, ठीक है, मैं इसीलिए बोल रही हूँ कि आपको ये पता होना चाहिए,
तो इसके बाद जो शॉर्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर में वो हमेशा आता है, वो होता है ऑर्डर और डिग्री वाला, कि आपको कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दे देंगे एंड दे विल आस्क फॉर ऑर्डर एंड डिग्री, मतलब उसकी फाइंड करने के लिए वो बोल देंगे कि मान लो जैसे ये ही होगी, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन इसका उन्होंने बोला कि फाइंड द ऑर्डर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन और फाइंड द डिग्री ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, तो वो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो आपको पता होना चाहिए. नेक्स्ट चैप्टर इज वेक्टर्स, चैप्टर नंबर 10. इस चैप्टर में जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसके लिए आपको बेसिक ये चीज पता होनी चाहिए कि व्हाट इज डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाएगा आपको शॉर्ट में. लेकिन अगर हम 2, 3, 4 मार्क्स की जो बात करें तो उसमें ये ऐसे वाला जो क्वेश्चन है, इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो मतलब मोस्टली मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से वो चीज लास्ट 5 ईयर्स से मतलब ऐसे टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं इस चैप्टर में से. तो यूजिंग स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट शो दैट 4 पॉइंट्स गिवन बाय पोजीशन वेक्टर्स, लाइक ये आपको 4 दे दिए, ठीक है, पोजीशन वेक्टर्स के, उसमें आर कोप्लेनर. आपको ये चीज प्रूव करनी है. यहाँ पे देखो कोप्लेनर है, इट कैन बी कोलिनियर कोप्लेनर, या मान लो कुछ ऐसा भी आ सकता है आपको कि आपको ये दे दे, ठीक है, पॉइंट्स मतलब पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में कि आपको ये दे दिए और कह दे कि फाइंड करो उस चीज का वॉल्यूम, या उस चीज का वॉल्यूम फाइंड करो, ठीक है, उस फिगर का. या आपको ये भी आ सकता है मतलब इस चैप्टर में कि यूजिंग वेक्टर मेथड, कि मान लो आपको 3 पॉइंट्स, मान लो ये और एक ये वाला दे दिया, तो और बोल दिया कि प्रूव करो कि ये चीज राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं ये वाले पॉइंट्स, ठीक है. कुछ इस तरह के क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं इस चैप्टर में वेक्टर्स में से. और शॉर्ट के लिए मैंने आपको बता दिया डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है. सो फ्रॉम नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 11, 3-डाइमेंशनल ज्योमेट्री, वी हैव 2 मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, जो हर बार आते हैं बोर्ड में. तो फर्स्ट है फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द गिवन लाइंस. आपको 2 लाइंस की इक्वेशंस गिवन होंगी एंड दे आस्क टू फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है. तो एक तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये तो हर बार ही मतलब मोस्टली होता है एग्जाम में, ठीक है, क्योंकि 3D में से आपको 6 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ जाएगा, आपको याद रखना है. तो ये मैं 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन बता रही हूँ. और सेकेंड जो 6 मार्क्स में आ सकता है वो ये वाला क्वेश्चन, फाइंड द इमेज ऑफ पॉइंट. पॉइंट कैन बी एनीथिंग, पॉइंट की जो वैल्यू है वो कुछ भी हो सकती है. इन अ लाइन, यहाँ पे आपको एक लाइन की इक्वेशन गिवन होगी, ठीक है. तो आपको ये इमेज ऑफ पॉइंट ऑन द लाइन वो आपको फाइंड करना है. तो ये जो 2 क्वेश्चंस हैं मेरे अकॉर्डिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर में से. तो नेक्स्ट शॉर्ट में अगर मान लो 1, 2 में से जो अगर क्वेश्चन आना है तो वो आपको आ सकता है एंगल फाइंड करना, ठीक है, एंगल बिटवीन एनी लाइन और एनी प्लेन. या आपको कोई भी 2 लाइंस में एंगल फाइंड करना आ सकता है, कोई भी 2 प्लेन्स में एंगल फाइंड करना, ठीक है, वो हो गया शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से. और लॉन्ग के अकॉर्डिंग ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला क्वेश्चन बिल्कुल भी स्किप करके नहीं जाना आपने, ठीक है. इसको एक पॉइंट पे सोच सकते हो लेकिन इस क्वेश्चन को स्किप नहीं करके जाना, ठीक है. मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये इस चैप्टर का अकॉर्डिंग टू 6 मार्क्स. ओके, सो फ्रॉम चैप्टर नंबर 12 लीनियर प्रोग्रामिंग, सबसे इजी चैप्टर है और छोटा सा ही है, ठीक है. मतलब जो इस चैप्टर में आपको ग्राफ्स पे थोड़ा ज्यादा वो देना है क्योंकि ग्राफ्स का ही चैप्टर है आपका सारा. मैक्सिमाइज मतलब आपको एक फंक्शन गिवन होगा, ठीक है, सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स. आपको यहाँ पे कुछ कंस्ट्रेंट्स मतलब कंडीशंस, ठीक है, यहाँ पे कुछ कंडीशंस आपको गिवन होंगी तो उसको आपको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज, यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, ठीक है, ग्राफिकली आपको ये रिप्रेजेंट करनी है तो मैक्सिमाइज भी आ सकता है, मिनिमाइज भी आ सकता है, ठीक है. मतलब बस यही इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, यही इंपॉर्टेंट है इसमें. वैसे बहुत छोटा सा चैप्टर है, मेरे अकॉर्डिंग आपको सारे कर लेना चाहिए अच्छे से, ठीक है. नाउ मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट चैप्टर. सो आवर लास्ट चैप्टर इज प्रोबेबिलिटी, चैप्टर नंबर 13. प्रोबेबिलिटी तो देखो वैसे बच्चे बहुत इंटरेस्ट से करते हैं, ठीक है, आप छोटी क्लासेस में भी करते थे तो मतलब बहुत यूनिक सा चैप्टर है और इजी चैप्टर भी है. लेकिन प्लस टू के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा लेवल हाई हो जाता है. तो मैंने कुछ क्वेश्चंस उठाए हैं, ठीक है, कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन जो मतलब मेरे अकॉर्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट है जिन पे आपको ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू बोर्ड्स. तो एक तो ये वाला क्वेश्चन हो गया, सम ऑफ मीन एंड वेरिएंस ऑफ अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज 10 एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 52, फाइंड द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है. तो एक तो ये ऐसे वाला कुछ क्वेश्चन हो गया. एक ये तो चलो लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच सकते हो आप इस क्वेश्चन को, लेकिन ये वाला जो क्वेश्चन है ये आप शॉर्ट के उससे सोच सकते हो कि मतलब
बेसिक सा क्वेश्चन है, आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूलाज तो देखो आपको सारे चैप्टर्स के अच्छे से याद होने चाहिए। तो ये वाला कुछ हो गया, जैसे पी ए आपको गिवन है, पी डी गिवन है, ठीक है, पी ए यूनियन बी गिवन है, देन यू हैव टू फाइंड पी ए बी, ठीक है। तो आपको ये चीज फाइंड करनी है। तो ये हो गया कुछ क्वेश्चन, तो प्रोबेबिलिटी में यही मतलब कुछ बेसिक सी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। और बाकी मैं उम्मीद करती हूँ कि जैसे वो बॉल्स वगैरह वाले जो क्वेश्चन है कि एक बैग में इतनी थी, दूसरे वाले में इतनी, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि अगर आप ये वाली बॉल उठाते हो या आप जो उठा रहे हो बॉल वो ये वाली है, तो वो आपको पता होना, तो वो बेसिक सी चीजें आपको पता होनी चाहिए। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके ओवरऑल बुक में अकॉर्डिंग टू योर चैप्टर। So, if you like my video, please subscribe my channel Zip of Study, and for notification of more videos, please press that bell icon. Thank you.